में शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मीन राशि अगस्त 2023 कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह राशि आपके जन्म राशि पर आधारित है। अगर आपकी राशि मीन है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति अगस्त के महीने में कैसी रहेगी। राहु और गुरु आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके पंचम भाव से, मंगल बुध शुक्र आपके षष्ठम भाव से, केतु अष्टम भाव से और शनि आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य लगन से प्रथम भाव से देखा जाता है, उसके स्वामी गुरु द्वितीय भाव से गुजर रहे हैं, राहु के साथ हैं, चंडाल दोष बना रहे हैं, लेकिन राहु बलहीन होते जा रहे हैं और गुरु बलशाली होते जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य तो वैसे सामान्य आपका अच्छा रहेगा। थोड़ी सी आपको पेट संबंधित गैस्ट्रिक डाइजेशन स्टमक लीवर थोड़ी सी परेशान आपको कर सकती है, हेडेक आपको हो सकती है, वैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर संतान की बात करें तो संतान आपके पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपका संतान के प्रति कभी आप अस्वस्थ रहते हैं, कभी थोड़ी चिंताएं रहती है उनके करियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, कभी झल्लाहट भी हो जाती है, तो थोड़ा इसका ख्याल रखें। अगर आपको जो विद्यार्थी वर्ग हैं जो शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी ये अगस्त का महीना ये मिला जुला असर रहेगा, कभी पढ़ाई में मन लगेगी, कभी मन डाइवर्ट करेगा, कभी मन करेगा यार नहीं कोई और काम कर लिया जाए, कभी वह कि नहीं पढ़ लिया जाए, इस तरह की दुविधाएं आपको बनी रहेगी। अगर आपका प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी जिससे आप प्रेम करते हैं वो फीमेल हैं या मेल हैं वो बड़ा एग्रेसिव रहेंगे, क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं, एग्रेसिव रहेंगे, कभी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को झगड़ा भी जाएंगे, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखकर और अपना लव रिलेशन को मेंटेन करके चलना होगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपके सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी बुध पूरे महीने आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और सिस्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, तो आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य या उनके कैरियर को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, आपकी चिंताएं उनके प्रति थोड़ी बढ़ सकती है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हो या उनके कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस प्रभावित हो सकती है, तो इससे लेकर थोड़ी सी आप इसका ख्याल करेंगे, वैसे वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी मंगल आपके षष्ठम भाव से गोचर गए, 19 अगस्त के बाद वो सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो 19 अगस्त के बाद आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पूरा साथ आपको भाग्य का मिलेगा और उसके बाद आपके भाग्य का जब पूरा साथ मिलेगा तो आप कम परिश्रम में भी आपको फायदा ज़्यादा होगा, आपको मन में शांति होगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। करियर की बात करें तो करियर आपका दशम भाव से देखा जाता है, क्योंकि स्वामी गुरु आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, उनकी नौवीं दृष्टि भी करियर में पड़ रही है, तो भाग्य का जब साथ मिल रहा है और करियर भी आपका अच्छा हो रहा है तो आपके लिए करियर अच्छा रहेगा। अगर बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार, आपको बेरोजगार हैं तो आपको जॉब लग सकती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका चलने लगेगा, अच्छा चलेगा, जो तो आपका 19 अगस्त के बाद लाभ भी होगी, कोई इच्छा है तो उसके भी पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहनों का भी आपका सहयोग मिलेगा। और अगर धन की बात करें तो द्वितीय भाव से देखा जाता है और 19 जिसके स्वामी मंगल सिस्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, 19 अगस्त के बाद आपका धन का आगमन भी बढ़ेगा, तो जब भाग्य का साथ देगा, करियर अच्छा होगी, बिजनेस बढ़ेगा, धन आएगा तो लाभ होगा ही, तो 19 अगस्त के बाद आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है।
19 अगस्त के पहले थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य, अपने लाइफ पार्टनर और अपने बच्चों को के प्रति थोड़ा ध्यान आप रखें। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उससे निजात पाने के लिए आप गुरु विष्णु भगवान की पूजा करें। और आपके ऊपर सरस्वती भी शुरू हो गई है 17 जनवरी 2023 से, तो शनि के बीज मंत्र का 108 बार संध्या काल में जाप करें, ताकि मानसिक रूप या आर्थिक या मानसिक आर्थिक या शारीरिक रूप से आप धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, आपको कुछ न कुछ परेशानियां शुरू हो गई होंगी, क्योंकि वो सरस्वती का असर है। चूँकि आपके कुंडली में शनिदेव किस भाव में बैठे हैं, नीच के हैं कि उच्च के हैं, कि स्वग्रही हैं कि शत्रु राशि में हैं, तो इस हिसाब से हर मीन राशि वालों के जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अलग होगी, तो सबका प्रभाव भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो शनि देव का आप पूजा करें, शनिवार के दिन आप पीपल में जल दें, शनिवार के दिन आप शनि देव के मंदिर में सरसों तेल के दिया जलाएं, और अगर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो मंगल और शनिवार के दिन जरूर करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपको जो भी परेशानी है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और अगर माता के स्वास्थ्य की बात करें तो वो आपके चतुर्थ भाव से देखा जाता है, तो चतुर्थ भाव के स्वामी बुध आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं। अगर भूमि वाहन आप लेना चाहते हैं तो आप अगस्त के महीने में रुक जाएं, सितंबर के बाद आप इस बारे में सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मीन राशि के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।